नसरीन है, मैं रहने वाले विकास नगर की हूँ, पर यहाँ रहते हैं हम देहरादून में। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी पहले, और फिर मैं जैसे मेरी तबीयत ख़राब होती गई, फिर मैं बोली, मन का धड़कन बहुत तेज़ रहती थी मेरी। मैं ऐसा भी नहीं जो अपने बच्चों को उठा सकूँ कि थोड़ा दूर चल सकूँ, मैं इतनी ज़्यादा मजबूर हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ के बारे में बताया, हमारे गांव में भी किसी ने कराया होगा यहाँ पे, तो फिर हम यहाँ पे आए, डॉक्टर जोशी से मिले। डॉक्टर जोशी से मिले। फिर बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि ऐसे होगा ऑपरेशन। मुझे भी पहले तो मैं बहुत घबराई कि यहाँ से आते तक भी मुझे बहुत सांस चढ़ जाती थी, और अब बातचीत करने भी यहाँ पे सब इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा, मुझे मन खुश हुआ। मुझे फिर यहाँ पे कोई डर ही नहीं लगा आपसे बात करके। फिर जब ऑपरेशन के लिए बोला, मैं डर भी रही थी बहुत, फिर उसके बाद मुझे पता नहीं चला ऑपरेशन के बाद, और मुझे इतना अच्छा लग रहा ना बहुत ज़्यादा, वरना इतनी मजबूर हो गई थी मैं बहुत। बहुत तेज़ धड़कन रहती थी, ऐसे हाथ भी रखती थी ना, ऐसे उछलता था। अब तो वो तो नहीं है, सांस में भी दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है इनके मुझे ऑपरेशन करा के। मैं थोड़ी दूर भी नहीं चल सकती थी, अब तो चल रही हूँ। अब साथ साथ थोड़ा अच्छा लगता जा रहा बहुत। अब सब बोले मेरे को यही कि इतनी जल्दी मैं घूम फिर भी रही, इतनी जल्दी, इतने दिन तो ऑपरेशन को भी नहीं हुए हैं कि इतनी जल्दी घूम फिर रही, क्योंकि मुझे जब खुद को अच्छा लग रहा तभी तो मैं घूम फिर रही। यहाँ पे भी यही मुझे यहाँ पे भी बोला सब ने कि इतनी जल्दी तो कोई नहीं घूम सकता, तुम तो बहुत ठीक हो। जब मैं ठीक हूँ जब चल फिर रही हूँ मैं बाज़ार में भी अब रोज़ जाती हूँ, 15 दिन ही हुए अभी ऑपरेशन, मैं अकेले चले जाती हूँ। ये मेरी वाइफ है नसरीन, और मैं इनका हस्बैंड हूँ। मैं जो है ना बहुत परेशान था 2-3 साल से, और मैंने जो है ना मतलब हर एक हॉस्पिटल में ट्राई किया, लेकिन मुझे कहीं संतुष्टि नहीं लगी। और फिर मैं जो है ना डॉक्टर किशोर जोशी से मिला, फिर उसके बाद मुझे बहुत संतुष्टि मिली। फिर मैंने ऑपरेशन भी किया यहाँ पे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मैं बहुत परेशान था, और जो है मतलब अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया।